तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में नायक जी एंड पुनित शाह जी हैं, जिनके साथ हम एडवांस एक्सेल की एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस नए बैच में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला। जैसे कि मैंने आपको फोन पे बातचीत हुई थी तो मैंने बताया था कि हमारी क्लासेस में बेसिक टू एडवांस होगी। हर एक टॉपिक का बेसिक पार्ट भी होगा और एडवांस पार्ट भी होगा, तो बेसिक टू एडवांस चलेगा। ओके जी सर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सेल के ऊपर कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने जा रहे हैं। तो सीखने से पहले मुझे ये चीज आप अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपने या हम एक्सेल के जरिए करेंगे क्या, ऑफिस में एक्सेल का यूज आखिर होता क्या है। ओके जी सर। तो अगर हम बात करें थ्योरिकल बात करें तो मैं रिसर्च करता है कि एक्सेल में कई सारे यूज होते हैं। सबसे पहला होता है डेटा स्टोरेज। थोड़ी सी थ्योरी बात है, ठीक है ना, थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहला यूज होता है डेटा स्टोरेज, मतलब कि एक्सेल में हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट ये कोई डेटाबेस नहीं है, क्योंकि डेटाबेस के बहुत सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। जैसे कि इसमें लिमिटेशंस है, आप देखेंगे तो इसमें मात्र 10 लाख रो है, ऐसे भी 1.5 या 2 लाख से ज्यादा डेटा इसमें ऐड करते हैं तो ये काफी हैंग होने लगता है। ठीक है जी। तो ये नहीं है। दूसरा सिक्योरिटी, इसका पासवर्ड इजीली ब्रेक किया जा सकता है, पासवर्ड रिकवर नहीं होगा, तो सिक्योरिटी की पर्पज से भी ठीक नहीं। तीसरा कि अगर इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसे बहुत ज्यादा डेटा बहुत ज्यादा फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं तो एक करप्ट होने का चांसेस होता है। जी सर। तीसरा, इसके फाइल को कोई भी इजिली डिलीट कर सकता है। तो एक डेटा स्टोर है लेकिन डेटा बेस नहीं है, तो फिर डेटा किस तरह का स्टोर करेंगे। तो कई तरह का डेटा स्टोर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिसलेनियस डेटा। वैसे मान लीजिए कि आप अकाउंट टीम में काम करते हैं, आपका पूरा काम अकाउंटिंग का है, अकाउंट में पूरा वर्क होता है, फिर भी आपको एक्सेल इस्तेमाल करना है। जैसे कि मान लीजिए कि छोटे मोटे जो इन्वेंटरी सिस्टम होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के, जैसे कि पेटी कैश। अब 2 रुपए की फोर्टेस्ट आपने गढ़ाई है या 4 रुपए का आपने चाय पिया है, इसकी लेजर बना के टेलीमेट्री तो नहीं ना होगी सर। क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री होगी इसकी, नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैली में पेटी कैश का एक लेजर बनाएंगे, उसमें डाल देंगे, पर खर्चे का पूरा हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, तो उसको हम एक्सेल पर रखेंगे। जैसे पेरोल टीम है, वो पूरा सैलरी पेरोल सॉफ्टवेयर बनाती है, फिर भी वो अपना क्या बोलते हैं जो अटेंडेंस वगैरह है, सैलरी कैलकुलेशन वगैरह है, उसको एक्सेल पर रखती है। तो मिसलेनियस डेटा रहता है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा डेटा होता टाइप का डेटा होता है, वो होता है हमारा एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइज। जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं, उनके पास हमारे पास डेटा बहुत बहुत ही कम साइज में होता है, तो या हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे ऑरिकल हो गया, एसक्यूएल होगा, ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसी छोटे एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, करना काम करेंगे। हाँ, एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर जी जी बताइए तो जो ठीक है, लेकिन ऑफिस में इसका यूज क्या होता है। तो ऑफिस में होता है एनालिटिक डेटा। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर अक्टूबर महीने का रिपोर्ट बनानी है, तो अक्टूबर महीने का पूरा डेटा हमारे सेल्स का है या सर्विस का है, आपने डेटा अपने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया, तो डाउनलोड करेंगे उसको होल्ड पे एक्सेल पे रखोगे ना, ताकि उसका रिपोर्ट बन सके। जी सर। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड, तो ये एक मिनट रिपोर्ट बना हुआ है, दिख रहा है आपको, इसका डेटा जो है तो एक्सेल पे ही है ना सर, हमने डेटा यहाँ डाला और इस डेटा से हमने अपना रिपोर्ट बनाया। ठीक है।
तो ये जो रिपोर्ट बना हुआ है या समरी बना हुआ है, ये रिपोर्ट के लिए हमें एक्सेल को, डेटा को एक्सेल पे रखना पड़ा। जी सर। क्या एक्सेल को एक्सेल पे ना रखेंगे? जी, एक्सेल को रखना, एक्सेल पे रखना पड़ेगा हमें। जी सर। तो ऐसे ऐसे एनालिटिक्स डेटा को हम स्टोर करते हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनीज में या तो अपने आप मोस्टली को यूज हो रहा है एक्सेल का, इसी चीज के लिए होता है कंपनीज के अंदर कि डेटा स्टोरेज आप सॉफ्टवेयर से डेटा डाउनलोड करके एक्सेल पर रखोगे, फिर उस डेटा से आप अपने। तो डेटा स्टोरेज समझ आ गया। दूसरा होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वार्टर वन है, दूसरा क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन में मान लीजिए 50 है, क्वार्टर टू में 60 है। इसका ग्रोथ चाहिए। हम इजिली मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर लेंगे कि मैथमेटिकल रूल को इजिली फॉलो कर लेंगे कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, रिजल्ट आ गया। बट बट ऐसी कैलकुलेशन आप बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर में क्या होता है वो फिल टू फिल कैलकुलेशन, एक्सेल में नहीं, क्योंकि इसका हर सेल इसलिए किया गया ताकि इसकी इस पे जो है। सर आपका आवाज टूट रहा है। हाँ सर, आवाज अप डाउन। सर आपका आवाज ऑफ डाउन हो रहा है। सर एक मिनट रुकिए, लग रहा है मेरा ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया। हेलो। हाँ सर अभी। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर अभी आ रहा है। ठीक। हेलो। हाँ सर अभी आ रहा है आपका आवाज। सर आवाज आ रही है आपको? यस सर आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है आपका। हेलो हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है आपका। हाँ आवाज आ रही है सर मेरी। हाँ हाँ सर आवाज आ रही है। अब ठीक है आ रहा है। हाँ अभी आवाज आ रही है। ब्लूटूथ सुबह से है ना डिस्चार्ज हो गया है, तो उसी कारण से ज्यादा दिक्कत दे रहा था। जी सर। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि हमने सिंपली जैसे क्वार्टर वन है क्वार्टर टू है, इसका हमने यहाँ पे ग्रोथ निकाल लिया। देख रहे हैं आप जी। यहाँ पे हमने सिंपल क्या हुआ A1 B1 C1 को हम यूज कर लेते, क्योंकि इसमें हमारा हर एक सेल का एड्रेस होता है। बाकी सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको सेल का एड्रेस नहीं मिलेगा, वो कॉलम टू कॉलम होता है, फिल टू फिल कैलकुलेट करेगा तो पूरा का पूरा फिल करेगा। बट एक्सेल में हमारा हर एक सेल इंडिविजुअल है, जहां पे हम इंडिविजुअल कुछ भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के पर्पज से एक्सेल सबसे बेस्ट है, चाहे आप सैलरी की कैलकुलेशन कर ले, चाहे आप इंसेंटिव कर ले, आप उससे आपका कमीशन भी कर ले, जो भी सैलरी कैलकुलेशन कर ले, हर तरह की कैलकुलेशन एक्सेल में हम कर सकते हैं, मैथमेटिकल भी, और साथ में एक्सेल में करीब 300 से 500 फॉर्मूले अवेलेबल है जो कि इस कैलकुलेशन में हमारी मदद करते हैं। कैलकुलेशन के बाद आती है बात एनालिटिक्स कि हम डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है जी सर। जैसे कि अभी आपने देखा है कि रिपोर्ट बना हुआ, तो ये हमारा डेटा को एनालाइज ही तो किया है हमें, इससे साफ हमारे इस रिपोर्ट से डेट वाइज और वीक वाइज पूरा सेल्स का फिगर पता चल रहा है, विजुलाइजेशन को बोला जा सकता है ना।
ताकि हम अपने, अब रिपोर्ट क्या होता है, समरी ऑफ द डेटा होता है। डेटा को समरी क्यों किया जाता है, ताकि हमें एक मोटा मोटी फिगर पता चल जाए। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी का आप ऑनर है, राइट, आपका सेल चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको अगर मान लीजिए कि महीने में आपको क्या देखना है, भाई इस महीने हमारा टोटल टोटल हमारा बाय कितना किया हमने, हमने सेल कितना किया हमने, और हमने खर्चे कितना किए, तीन चीजें हुआ तो सेल को प्रॉफिट पता चल जाता है क्या। बट जो सेल का डेटा होगा वो तो हर एक इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग होगा ना, तो दिन में, एक दिन में हो सकता है 50 या 500 या 5000 क्या, पूरा महीने का जो हिसाब लगाया जाए तो और बड़ा ज्यादा हो सकता है। तो अब इतना लंबा डेटा जो ऑनर है वो तो नहीं देख पाएगा ना, उसको देखने से क्या फायदा है, तो उसको ये पता चल रहा है ना मंथ में कि भाई हमने कितना स्वापनी, हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, और परचेज और सेल में हमारा टोटल खर्च कितना पड़ा। तो परचेज और सेल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, और अपना खर्चे माइनस कर दें तो हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल जाएगा। इस तरह की जो समरी है तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि हर एंगल से लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 10 प्रोडक्ट बेचता हूं तो मुझे एक टोटल एवरेज निकल गया सेल, तो मुझे लगा कि मेरा सेल पिछले महीने से डाउन हुआ है, तो मैं देखना चाहूंगा कि भाई कौन कौन प्रोडक्ट का क्या सेल्स है, तो प्रोडक्ट वाइज देखूंगा ताकि पता चल जाए कि किस प्रोडक्ट का क्या सेल, या कस्टमर वाइज देखूंगा कौन सा कस्टमर कितना ऑर्डर कर रहा है, और फिर मैं उसको पिछले से पिछले महीने उसके पिछले महीने के साथ कंपेयर करूंगा कि भाई इस महीने कितना सेल हुआ, कस्टमर ने कितना परचेज किया, पिछले महीने कितना परचेज किया, तो उसके पिछले कितना परचेज किया, उसे कंपेयर करूंगा तो पता चल जाएगा कि सेल हमारा किस कारण से नीचे गया। अगर कारण समझ में आ जाए तो फिर उसके ऊपर हम उसका उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर सकते। So, MIS का जो रोल होता है वो यही रोल होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिसीजन मेकर को रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ताकि जो डिसीजन मेकर है एक सही डिसीजन दे सके। उसके बाद बात करते हैं शेयरिंग, ठीक है, डेटा शेयरिंग। शेयरिंग का जो है बहुत ज्यादा रोल है एक्सेल को फॉर्मर, क्योंकि एक्सेल से बेटर रिपोर्ट जो है आपका पावर बी आई बना देता है, टैबलू बना देता है, जो डैशबोर्ड्स बनाने में आपको घंटों लग जाते हैं वो डैश पावर बी आई में 5 से 10 मिनट में बन जाता है। बहुत सारे ऐसे से रिपोर्ट, ऐसे से डैशबोर्ड, ऐसे से फीचर्स हैं जो कि एक्सेल में अवेलेबल नहीं, लेकिन फिर भी वो उतना पॉपुलर नहीं। रीजन क्या है, अब मुझे मान लीजिए कोई रिपोर्ट बना के भेजना है आपको, तो मैं पावर बी आई बना के भेज दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, उस रिपोर्ट को देखने के लिए आपके पास भी पावर बीआई होना चाहिए। सर पावर बीआई का मतलब बीआई नहीं है तो रिपोर्ट नहीं देख पाएंगे ना। सर पावर बीआई का एक्चुअली वो है क्या, मैं पता नहीं, आप नहीं पता, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि आप जैसे कि मान लीजिए ना कि आपको आपका मान लीजिए कि वोडाफोन यूज करते हैं, तो वोडाफोन आपको ऑफर देगा कि भाई वोडाफोन टू वोडाफोन आपको फ्री मिलेगा सिम में, तो आप सबसे क्या चेक करेंगे, वोडाफोन टू वोडाफोन सामने वाले का वोडाफोन होना चाहिए, वोडाफोन होने चाहिए, कांटेक्ट है जिसको आप फोन करते हैं क्या उनके पास वोडाफोन है या नहीं है। जी जी। अब मान लीजिए आपने वोडाफोन का सिम ले लिया और आपके 50 रिश्तेदार में किसी भी रिश्तेदार के पास वोडाफोन नहीं है, आपके किसी फ्रेंड के पास वोडाफोन नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड के पास भी वोडाफोन नहीं है, okay, जी। तो फिर क्या आप लेने में फायदा हुआ? नहीं, नहीं सर फायदा नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अपनी रिपोर्ट पावर बीआई सॉफ्टवेयर पे बना रहा हूं, तो रिपोर्ट जिसको मैं भेज रहा हूं उसके पास अगर पावर बीआई नहीं है तो मेरे रिपोर्ट को देखने के लिए वो पावर बीआई सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो नहीं करेगा ना, 500 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करेगा या परचेज नहीं करेगा ना सर। जी सर। बट एक्सेल तो उसके पास होगा ही होगा।
यस सर एक्सेल जनरली 90% पीसीज के अंदर में एमएस ऑफिस होता है जी सर। अगर एमएस ऑफिस नहीं है तो एक्सेल व्यूअर ओपन आरजी और इसमें एक्सेल फाइल ओपन हो जाता है। अगर उसके पास वो भी नहीं है तो हमारे हमारे डेटा को वो मेल पे चेक करेगा, क्लिक करेगा और मेल पे रिपोर्ट को चेक कर लेगा। आपको एक्सेल फाइल भेज रहा हूँ, फिर मेरा फाइल आप देख लेंगे इसकी स्रोती है, मैं श्योर हूँ कि आप देख लेंगे। और एक्सेल को पॉपुलर बनाने में यही एक फैक्ट सबसे ज्यादा जो है मेन थिंग ये है, रोल है इसका सबसे ज्यादा रोल मेन रोल गूगल शीट्स का सर। गूगल शीट में जो दिख रहा है तो मैं गूगल शीट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी के पास एक्सेल फाइल अवेलेबल है। गूगल शीट तो अब आया है सर, पहले तो नहीं था जब एक्सेल था। अच्छा, सबके पास एक्सेल है, हर पीसी के पास एक्सेल है, समझे जी सर। इसलिए एक्सेल पॉपुलर है क्योंकि हम रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे तो बनाने के बाद किसी ना किसी को भेजेंगे ना सर। जी सर, उसके पास भी एक्सेल होना चाहिए। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक्सेल की मदद से आप क्या करेंगे तो आप सिंपली बता सकते हैं कि वी कैन, इंग्लिश में बोलना हो हिंदी में बोलना हो, कि हम एक्सेल का यूज डेटा स्टोरेज, डेटा कैलकुलेशन, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा शेयरिंग के लिए करते हैं। तो बोल गया सर? जी सर ठीक, ऑफिस में आप इसी काम करेंगे ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे कोर्स को, मैं एक बार कोर्स पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे मैंने पीडीएफ फाइल आपको भेजा होगा सर, मुझे नहीं अब सर पीडीएफ आपका नहीं मिला है मुझे। नाम जी आपको नहीं मिला है? नहीं सर, मेरा पीडीएफ आप मुझे नहीं मिला है। तो मैं आपको एडवांस एक्सेल की पीडीएफ फाइल अभी भेज देता हूँ, दो मिनट लगेगा। आपको तो पुनीत जी मिल गया ना कोर्स आउटलाइन? वो कोर्स से चलता है ना सर? हाँ मैंने भेजा, आपने देखा भी सर उसका कोर्स मेरे था ना, आपने कल भेजा था। हाँ तो जो कोर्स है हमारा, सबसे पहला हमारा ये है एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, सबसे पहली कोर्स हमारी है। दूसरा कोर्स है वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग। अब वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक्सेल एंड सीक्वल उसके साथ इंक्लूड हो जाता है ठीक है। वीवीए मैक्रो प्रोग्राम से सर एमएस साथ, हां कंप्लीट कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको कंप्लीट एक्सेल वीवीए एक्सेस एंड डैशबोर्ड मिलेगा। अच्छा ठीक है, जिसका ड्यूरेशन 100 आवर के आसपास है। मंडे टू फ्राइडे आपको 45 मिनट से 1 घंटे की क्लास मिलेगी। अभी 45 मिनट जो है, एक मतलब कि 45 मिनट से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है टॉपिक्स के ऊपर। कोर्स को मैं मेनू बार के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा, जैसे पहले मैं फाइल पढ़ाऊंगा, होम पढ़ाऊंगा, इंसर्ट पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस। अब सर बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बेसिक पढ़ाने के पीछे रीजन है कि किसी ऑप्शन के बारे में आपको क्या पता है पहले से, ये तो मुझे पता नहीं है ना सर कि आपको क्या पता है पहले से। जी जी सर, इसलिए हम आपको बेसिक लेके चले ठीक है। जी सर क्लियर है जी। और हाँ, आप अगर सीख रहे हैं तो एक छोटा सा कंडीशन है इसमें, हम जो कि हर स्टूडेंट को मैं देता हूं, अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, मतलब कि क्लास के बाद या क्लास से पहले एक डेढ़ घंटे का टाइम आपको निकालना पड़ेगा प्रैक्टिस के, ऑफिस में काम करते हैं वो प्रैक्टिस लिए में काउंट नहीं आएगा, समझ गया जी सर। प्रैक्टिस करने के लिए अगर एक डेढ़ घंटे का टाइम आपके पास है तो आप एक्सेल को सीखे, अगर नहीं है तो आप टाइम और अपना पैसा वेस्ट करते हैं और मेरा एफर्ट वेस्ट कर रहा है, क्योंकि एक्सेल जस्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स नीड द प्रैक्टिस। जी सर मुझे ना जी।
आप अगर आपके पास प्रैक्टिस का टाइम है तो ज्वाइन करें। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊं, आप बोलूंगा सर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और आप बोलेंगे सर ऑफिस में काम था, ऑफिस में ये था, मैं नहीं कर पाया, वो दिक्कत होगी फिर, समझ गए? सर बोलिए क्या बोलना है। सर ये एक्चुअली आप ये रिकॉर्डिंग देंगे उसके अलावा भी कुछ मिलता है क्या मटेरियल में? जी हाँ, क्लासेस की रिकॉर्डिंग के अलावा आपको टाइम टू टाइम जो है नोट्स मिलता रहेगा, सैंपल फाइल मिलता रहेगा, प्रैक्टिस बुक मिलता रहेगा। जैसे अभी आपको रिपोर्ट दिखाया ना सर, वो किसी लड़के का बनाया हुआ है सर, अच्छा वो एनालिसिस था उसका। रहेंगे आपको। अभी जो मैं एक्सेल फाइल खोल के दिखाया था आपको रिपोर्ट हाँ वाली, हाँ हाँ जी सर, जी सर, तो किसी और ने बनाया, उसे स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, ओके। तो ऐसे रिपोर्ट्स भी मिलेंगे आपको। इस मिलेगा, जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा कि एक प्रॉब्लम है, इसको रिसर्च करके बताइएगा, आप उसको रिसर्च करेंगे, रिसर्च भी होगा और मेरे जो एग्जाम्पल होगा और जो प्रॉब्लम होगा दोनों जेन्युइन होगा, वो अपने माइंड से क्रिएट किया हुआ नहीं होगा, वो किसी ने किसी ऑफिस का लाइव प्रॉब्लम होगा। ओके जी ये ये यहाँ पे मिलेगी कि आपको कोई भी मन से बनाया हुआ ना डेटा मिलेगा, ना मन से बनाया हुआ कोई प्रॉब्लम या कोई एग्जाम्पल मिलेगा। कोई अगर मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे अभी आपको मैंने जो चीजें बताई हैं, पता है क्या बताइए, एक मैं गया था एक इंटरव्यू में देने के लिए, तो उन्होंने कंपनी का मालिक आया, कंपनी का मालिक नहीं था, हाँ छोटा ही कंपनी था, मालिक ही समझ लीजिए ना उसका, जी था। तो बोलते देखो मैं कंप्यूटर का बंदा नहीं हूँ, मुझे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता है, समझे, जी मुझे सर सब बोलता है एक्सेल पे काम करवाओ, एक्सेल पे काम करवाओ, एक्सेल पे काम करवाओ, मुझे सिंपल है तुम बताओ कि एक्सेल का काम, एक्सेल पे हम करेंगे क्या? अगर हम एक्सेल में, एक्सेल को ऑफिस में इंस्टॉल कर लेते हैं तो ऑफिस में उस एक्सेल से हुगर गया, एक नॉन टेक्निकल बंदा है वो पूछ रहा है, उस समय थोड़ा सा हिचकिचाया, मैं बोला एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं, बनाना कर सकते हैं, ठिकाना कर सकते हैं, दबाव संतुष्ट नहीं होता है, बना के अभी एक्सेल में हम पिवट लगा लेंगे, एक्सेल में हम वी लुकअप लगा लें, एक्सेल में हम जो है ईर बना सकते हैं, बिल बना सकते हैं, समझ गया ना, जी उससे संतुष्ट नहीं हुआ। तो फिर मैं बोला कि मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं 5 मिनट फिर सोचा, मैं फिर मैं बोला कि हम एक्सेल में डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम एक्सेल में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी तरह का, एक्सेल में हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को रिपोर्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड हम सबसे भी बात डेटा को शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को अपने डेटा आपको भेजना है तो आप प्रेफर कर लीजिए एक्सेल फाइल में ही भेजना, आपसे संतुष्ट हो गया, तो मैंने इसको कोर्स में कंसीडर कर लिया। यहाँ ये होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। ओके जी सर तो अभी जो है आप एक बार कोर्स सिलेबस को